सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ में लगातार दूसरे और आखिरी दिन तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 15 सितंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो आईपीओ है 14 से 16 सितंबर के बीच ओपन है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 734 से 744 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 744 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 20 शेयर होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आज दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन तक इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में अगर देखें तो 0.38 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं एनआईई कैटेगरी में यह आईपीओ 0.22 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि अगर दूसरे दिन के हिसाब से देखें तो यहां पर कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, यहां पर कहा जाता है कि इन दोनों ही कैटेगरीज में आपको तीसरे और आखिरी दिन ही मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो देखिए, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं इसमें कितना सब्सक्रिप्शन हो पाता है। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात करें, जिसमें हम आते हैं, छोटे निवेशक आते हैं, उसमें यह आईपीओ 1.71 टाइम सब्सक्रिप्शन हो चुका है, यानी कि यहां पर यह आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होना स्टार्ट हो गया है। यहां पर आप देखें करीब 2 गुना के आसपास यह आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं एम्प्लॉय कैटेगरी में बात करें तो 1.03 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि एम्प्लॉय कैटेगरी में भी यह आईपीओ फुल भर चुका है। ओवरऑल देखें तो इसमें 1.01 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि अभी ये आईपीओ 2 दिन में मात्र कंप्लीट फुल हुआ है। कल के दिन जितना भी सब्सक्रिप्शन होगा इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। तो देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। वहीं आज का अगर ग्रे मार्केट प्राइस देखें तो यहां पर 80 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 744 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 80 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 824 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम स्टेबल बना हुआ है 70-80 रुपए के आसपास। अभी देखिए, शुरुआती दिनों में अगर बात करें तो इसका प्रीमियम 125 रुपए के आसपास था और वो कम होकर करीब 70 रुपए के आसपास तक गया था। वहां से रिकवर होकर 80 रुपए के आसपास अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि प्रीमियम काफी ज्यादा नहीं है, करीब 10% के आसपास ही यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है और मुझे लग रहा है 10 से 20-30% के आसपास भी इसमें लिस्टिंग मिल सकती है। देखिए, कल के दिन जो आईपीओ लिस्ट हुए थे उसमें काफी बढ़िया लिस्टिंग गेन मिला था और उससे हमें पता चलता है कि जो आईपीओ मार्केट में जो प्रेशर का माहौल था वो निश्चित रूप से हटता हुआ नजर आ रहा है और इसमें आपको थोड़ी सी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि इसमें जो एग्रेसिव निवेशक हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये काफी बढ़िया रिटर्न देने की क्षमता रखता है। शॉर्ट टर्म में वही लोग अप्लाई करें जो थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं और अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है तो वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरी राय रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर सारी शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट या आईपीओ से रिलेटेड अपडेट मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।